मॉर्निंग एवरीवन, तैयार हो चुके हैं जैसे कि देख सकते हो, बट निकलने ही वाले थे। और कौन आया है? बारिश आई है, धूप नहीं है, ये फोकस है बस। सो जैसे कि बारिश हो रही है, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, देखते हैं अगर इंशाल्लाह अगर थोड़ी सी कम हो जाए या बंद हो जाए तो निकलेंगे सैर के लिए। अभी आए हैं मित्र समाज फॉर ब्रेकफास्ट, देखते क्या मिलता है इधर। और ये है बनाना बंस, ये एक्चुअली मैंगलोर में खाने थे, वहाँ पे मैंगलोर बंस बोलते हैं, बट नहीं चांस मिला तो फिर यहाँ पे खा रहे हैं। ठीक है, एकदम गरम गरम ऐसे भाप निकल गए, चटका लग रहा है। अंदर से इतना फ्लफी है और बाहर से क्रंची है, फ्राई किया हुआ है बट ऑयली नहीं है। यहाँ पे बनाना बंस बोलते हैं मैंगलोर में, मैंगलोर बंस। टेस्ट सेम ही हो गया है गैस, वहाँ पे ट्राई नहीं किए तो फिर यहाँ पे, बट इट इज़ टू नाइस, वापस ऑर्डर किया हम लोगों ने, इतना अच्छा है। और कोकोनट चटनी के साथ तो थोड़ी ऐसी तीखी चटनी है और बंस स्वीट है, तो कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। और फिर बटन इडली कैसे लगे थे सर? ठीक ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। उडुपी वेदर अपडेट, धूप में बारिश हो रही है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू श्री कृष्ण मठ, वहाँ पे एंट्री है। अंदर लेकर जा रहे हैं इस रथ को। तो कितने लोग का ना कैसा लगता है बक्की बनते। और सामने साइड भी रथ है, जब यात्रा वगैरह निकलती है तो सब निकलते होंगे एक साथ इस मंदिर के। ये है उडुपी श्री पलीमारु मठ। इस आवार में ऐसे ही काफ़ी सारे मठ है एंड देयर आर्किटेक्चर इज सो गुड। आई थिंक श्री कृष्ण मठ खुला है बट बाकी के मेन जो जो दूसरे है काफ़ी सारे अंदर से क्लोज है, देख सकते हैं बस जाके अंदर, बट बहुत सारे बंद दिख रहे हैं। जैसे पलीमारु मठ था श्री राम का, बस अंदर जाके देख सकते हैं, आतला बंद होता ना, गाभर बंद होता। अभी यहाँ से निकल रहे श्री कृष्ण मठ के, यहाँ से मालपे बीच। अंदर जाने के लिए मतलब लाइन बहुत लंबी थी, तो मैं भी कल जल्दी आएंगे सुबह यहाँ पे। लाओ का इधर एक को पूछा हमने, सेंट मैरी आइलैंड को जाने वाले फेरिस बंद है, यहाँ पे भी ये लगा के रखा है क्योंकि पानी का फ्लो बढ़ चुका है। लेट्स सी, जाके वापस पूछते हैं किसी को, वहाँ पे जाने का सेंस बनता है क्योंकि देर इज़ नथिंग टू सी हियर इन दिस सीज़न, क्योंकि अंदर तो अलाउड नहीं है लाइक पानी में जाना। सितंबर में खुलेगा सब, लाइक सेंट मैरीज आइलैंड पे फेरीज वगैरह भी सितंबर खुलेंगे, तो अभी देखते हैं डेल्टा बीच पे जाके देखते हैं। आई थिंक डेल्टा बीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोड यू कैन राइड ऑन। एक तरफ है समंदर और दूसरी तरफ है बैक वाटर्स, और इतना खूबसूरत छोटा सा गाँव है और एक छोटा सा रास्ता, इट्स टू ब्यूटिफुल। एंड इस वेदर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें यहाँ पर बाइक राइड करके। अरे बारिश चल रही है तो जो है वही एंजॉय करो।
बढ़िया यार, नारियल के झाड़ वगैरह यहाँ पे मस्त, और सामने समंदर, पत्थर वगैरह पे बैठने की जगह है, सो इट्स नाइस। एंड यहाँ से सामने वो सेंट मेरी आइलैंड का व्यू दिखता है। डेल्टा बीच पर कुछ देर बैठने के बाद हम लोग निकल पड़े केम्मन्नु हैंगिंग ब्रिज की तरफ, जो कि पास ही था। और इस ब्रिज की तरफ जाने का रास्ता इतना खूबसूरत है, एक तरफ नदी जो बैक वाटर्स को मिलती है, छोटा सा गांव, छोटा सा रास्ता, और इस मौसम में बाइक राइड करने का मज़ा कुछ अलग ही था। यहाँ पर वो मैनग्रोव्स के पास बोटिंग को लेकर जाते और वहाँ पर कायाकिंग करवाते, तो वो बोलते 500 पर पर्सन, 400 बोटिंग के और 100 रुपीज़ कायाकिंग के लेते लोग। तो थोड़ी बारिश नॉर्मल हो जाए तो सोच रहे कर लेते। वैसे यार बारिश के वेदर में तुम गीले होते हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, बट उतना बेस्ट सीन भी दिखता है। यू कैन सी ऑल अराउंड मी, यहाँ पे सामने है कायाकिंग का, बट इट्स सुपर मैन, व्यू बहुत सही दिखता है। सी ये चार्जेस है यहाँ पे, एंड अभी जा रहे हैं हम लोग बोटिंग प्लस कायाकिंग के लिए बैक वाटर्स एंड मैनग्रोव। खींचो खींचो यार, खींचो क्या, ठीक है। अच्छा हाँ, सरब एक नंबर। चले मैं हेलमेट पहन रहा हूँ, शॉट तेरे आएंगे, मेरे कैसे लेगा। अरे डूबेगा नहीं तू, तेरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहेगा भाई। उल्टा इसमें अंडर प्रोटेक्शन है, हेलमेट पहनने के बाद सांस ये हो जाती है। कौन सा ब्रिज है, क्या कौन सा ब्रिज, बोल। वी आर गोइंग टू मैंग्रोव फॉरेस्ट नाउ, दिस इज केम्मन्नु हैंगिंग ब्रिज। We are not hanging here. We are not hanging above it. We are hanging below it. Pirates of Caribbean. Magar. आज दो मिनट ही पड़ लिया, ऐसे जोक तो को कर दूँ। राइट लग इधर, इधर इधर सही है, जान दो अभी, छोड़ो फर्स्ट टाइम स्कूटी चलाने के लाते हैं, दो हाथ ऐसा पकड़ो, ऐसा ऐसा ऊपर हाथ ऊपर, वो आपका साइड में रहने का, ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं, ऐसे ही रहना चाहिए स्ट्रेट। आगे जाने के लिए पानी को ऐसा पीछे खींचना पड़ेगा, राइट लेफ्ट दोनों साइड रो करेगा तो स्ट्रेट जाते, कंटिन्यू लेफ्ट साइड में रो करेगा तो बोट राइट जाते, राइट साइड में रो करेगा तो लेफ्ट आते, ठीक है। पीछे जाने के लिए ऐसा रिवर्स, पीछे से आगे बोट पीछे जाते। अच्छा। आपको किधर भी साइड में रुकना है तो ऐसा हाफ डिप कर बोट उधर रुक जाते, स्टॉप है बोट। बस आप जा रहे हो क्या? हाँ। अरे हम अकेले कैसा करेंगे? लेफ्ट राइट मार रहे, राइट मार,
कहाँ जाने के बाद राइट मार रे राइट मार कारण लेफ्ट ला जायचंय राइट मारले की राइट ला जाशील ना लेफ्ट का तू बोट उलटी असते काही बोलतो का नाही रे बघ राईट मार मार तरी बघ हा बघ कुठे चाललंय असं म्हणतो हा आता लेफ्ट कर सरळ घेऊ आता लेफ्ट कर तू कुठे आहे रे जोर से अभी लेफ्ट मार थोड़ा तू का ते चमचा हलवतोय का जोरात मार अरे लेफ्ट मार आता राइट टर्न घ्यायचंय तू खरं स्ट्रेट होतो तो स्ट्रेट मारायची होती ना थोडा राईट मार दे थोडा राईट अरे अटक गई देख ये तान त्याला अरे तान ना त्याला कुठं अरे ते फांदीला घेऊन तान ना निघाल रिव्हर्स ले अरे हो थांब जरा हमारे इंस्ट्रक्टर साहब इधर है बहुत मुश्किल है के वॉस सुनने आ रही होगा राइट राइट मार किधर भाई अंदर जाना है ना इधर इसके अंदर क्या इसके क्या इसके तुझा ना गंडत है पूर्ण स्टीयरिंग माहिती का बोट उलटी चालते राईट घेतल्यावरती लेफ्ट तू पण स्लो मारतोय खूप अरे बस झालं कशाला तुला काही इथे NFS खेळायची आहे काय लेफ्ट 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 कंटिन्यू लेफ्ट कंटिन्यू लेफ्ट 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 साइड कंटिन्यू अना राइट नहीं लेफ्ट कंटिन्यू हाँ कंटिन्यू लेफ्ट मियाओ कहाँ पे जाना है लेफ्ट मार लेफ्ट मार इधर इधर वीडियो फनी आला असणार आहे इधर जाना है दो मार दे दो राउंड सीधा गए ये सही है यार लेफ्ट 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 मेरे को अंदर जाना है ना
बारिश शुरू हो गया अपने जोर से। बस रे भैया, उस आइलैंड पे नहीं जा सकते क्या? चल रही क्या? चलो अर्थल साम बाइक का हाइकिंग चलते यार। हाँ हाँ, तुझे बोलता आता पूर्ण, तुझा एकटा उधर तक जाते ना कायकिंग करते करते, जहां से आए तब तक। हाँ ठीक है, पूछ लो। बोलेगा तो उधर तक जाते हैं कायकिंग में, नहीं बोलेगा तो इसमें बैठ के उधर जाते। अभी पानी हवा बारिश आते है ना, पानी ऐसे ऐसा होता है इसलिए थोड़ा मुश्किल है। बारिश नहीं यार अभी, चलो निकल जाते हैं, अभी तक तो आधा निकल जाते हैं अपन। कुछ नहीं का वो सेट है ना उधर, बोट का सेट है, वो मालिक है वो। नहीं नहीं, वो अकेले करने वाला है उसको, अकेले करने वाला है। दोनों करते हैं, चलो एक मिनट इनको पूछ। हाँ पूछ लो। हाँ। हम दोनों जाते हैं, इसको भेज देते हैं। कितना मिनट लगेगा घूमने के लिए? 25 का, 50 का, इस इंजन का आते भयंकर है। अच्छा, कायकिंग जाएगा तो सीधा पलटे होते। अगर वो पास से गया तो क्या? वो दूर से गया भी पलटे होते है। हम इधर है ना, वो उधर से जाएगा तो बोट पलटे होते वो, ऐसा फास है वो इंजन। वो साइड कितना डीप है बोले? उधर कितना डीप है बोले? 45 मीटर अंदर है। और बारिश की वजह से क्या हवा वगैरह है? नहीं, वो ज्यादा आता है वेव्स। इसको भी प्रेशर नहीं, वो वेव आता है ना। हाँ। उल्टा करता है, ये भी उल्टा करता है। हवा एरिया बताना कहाँ पे है वो, कहाँ पे वो डिप बताना मेरे को। वो पानी में हवा में साया था, वो अंदर जाके जाके इसको तैरने के लिए था। एक आदमी गया इसको पकड़ने के लिए, एक आदमी गया वो भी अंदर गया इसको पकड़ने के लिए, वो भी आदमी गया वो भी अंदर गया, और एक आदमी जाने के बाद चार लोग चार लोग आए थे बिना सेफ्टी जैकेट के, एक साल पहले यहाँ पे लोग आए थे और चारों लोग डूब गए थे। हालांकि उनके पास बोट थी ऐसी वाली, पानी का फ्लो वेव्स के टाइम पे आए थे एंड जैकेट नहीं पहना था उन्होंने, तैरने आता था बट फिर भी डूब गए। फॉरेस्ट स्टोरी। एडवेंचर लवर हो तो डेफिनेटली ट्राई कायाकिंग, मस्त मैनग्रूव है, व्यू तो बहुत बढ़िया है। बोटिंग करो और फिर अंदर कायाकिंग करो, लाइक यहाँ पे भी ना 100 rupees लेके इसी एरिया में कायाकिंग करवाएंगे तो उसमें इतना कुछ मज़ा नहीं है। बेस्ट है कि बोट से मैनग्रूव के पास जाओ, वहाँ पे आराम से आधा घंटा करवाते हैं वो लोग और इजी है। वहाँ पे तो डीप इतना ही नहीं, कितना 4-5 feet ही डीप है मैनग्रूव के पास, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। बट जो बीच का एरिया वो 45 meters का है। ऑफकोर्स वहाँ पे कायाकिंग ऐसे मौसम में तो नहीं करने देते, नॉर्मल टाइम पे करने अलाउ करेंगे ऐसा बोल रहा था, आई डोंट नो बट ऐसा बोल रहे थे। हाँ, धूप अगर वो वेदर ख़राब नहीं हो तो फिर वो करेंगे, बट हाँ बी केयरफुल, सेफ्टी जैकेट्स वगैरह जो भी रहते हैं वो फ्लोटिंग जैकेट्स वो बिना पहने में बिल्कुल मत जाया करो, एंड बी एडवेंचर लवर नॉट स्टूपिड। सो अभी यहाँ से निकल रहे, सिटी में होटल है, देखते हैं क्या खाना है वहाँ पे। एंड देन पैंट
शर्ट सब गीला हो चुका है, पैंट तो ऐसे गंदी हो गई और मैंने पहनी है वाइट पैंट ऐसे मौसम में, फ़ोटो निकालना है इसलिए है ना। तो फिर अभी देखते हैं, सिटी में ही जाएंगे, खाना खा लेंगे, रूम पे जाने का सोच रहे, देखते हैं अभी यहाँ से निकल रहे हैं।